तो ये हमारी ट्यूबलाइट और आप देखिए कुछ जादू होने वाला है। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज। दोस्तों यहाँ पे कोई बार नहीं ज्वाइन किया हूं मैं, कैसा लगा आपको ये मैजिक? ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमारी एक मिनी टेस्ला कॉइल। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सर्किट है और ये मेरे हाथ में एक ट्यूबलाइट। दोस्तों ये आप भी बना सकते हो और आप इसको कैसे बनाएंगे आज मैं बताने वाला इस वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ओम, आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैजिकल एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों फिर से आज जी लोग नया वीडियो लेके, दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले मिनी टेस्ला कॉइल जो कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का एक छोटा सा नमूना होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले लेंगे हमारा पीवीसी पाइप और इसे 15 सेंटीमीटर कट करना है। ये हो गया मेरा, यहाँ पे रफ दिख रहा है, सबसे पहले इसको मैं पॉलिश करूंगा। मेरा साफ हो गया। अभी हम लोग उसको वायर की बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे 36 गेज का वायर यूज़ कर रहा हूँ, फैन रिपेयरिंग की दुकान पे मिल जाएगा, 20 रुपये के वायर में आपको पूरा काम हो जाएगा। दोस्तों आपको वाइंडिंग करते टाइम पे ध्यान रखना है कि एक वायर के ऊपर दूसरा वायर ना चढ़े, तो आपको यहाँ पे अंगूठे से अच्छे से इसको मिलाते हुए जाना है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये हमारा 2N2222 ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये हमारा 27K का रजिस्टर, इसको यहाँ पे बीच में जोड़ूंगा। आप देखिए इसके बाद दोस्तों एक LED लेनी है, LED का पॉजिटिव इमीटर पे लगाना है। देखिए हमारा शोल्डर हो गया और इसका नेगेटिव जो है बीच वाले में कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा LED का नेगेटिव है और ये मेरा LED का पॉजिटिव है। दोस्तों अभी हम ये बॉक्स लेंगे और हमारी कॉइल को उसको यहाँ पे कोने पे से लगाएंगे। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू। दोस्तों अभी हम लोग अपने ट्रांजिस्टर को यहाँ पे फिक्स करेंगे। आप देखिए ये मेरा चिपक गया। अभी दोस्तों ये हमारी कॉइल का जो नीचे का सिरा है इसको हम लोग को कनेक्ट करना है। सबसे पहले इसका इंसुलेशन अच्छे से निकाल लेना है अपने को। मैं कटर का यूज़ कर रहा हूँ इंसुलेशन निकालने के लिए। हमारे इस वाले वायर को हम लोग यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमारा रजिस्टर कनेक्ट हुआ है ये मेरा फिक्स हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं हमारी स्विच को फिक्स करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे साइड में लगाऊंगा। दोस्तों मैं बैटरी का वायर अंदर से निकालने के लिए यहाँ पे छोटा सा होल कर ले रहा हूँ। अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे दो बैटरी के, जनरली हम एक ही यूज करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे दो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग बैकअप चाहिए। और मैंने यहाँ पे देखो ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, इससे हमारा 9 वोल्ट की बैटरी का पावर 9 वोल्ट ही रहेगा, बस उसका बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप एक भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अभी मैं इसके बैटरी का कनेक्शन करूंगा। ये कनेक्शन है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी आप बैटरी का माइनस जो है हम लोग यहाँ पे LED के प्लस पे देंगे, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल जो था ये मेरा जुड़ गया। और बैटरी का पॉजिटिव जो है इसको मैं यहाँ पे स्विच को दूंगा। दोस्तों अभी हमारा जो रजिस्टर है, दोस्तों अभी रजिस्टर को मैं स्विच से कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखिए ये मेरा रजिस्टर स्विच से कनेक्ट हो गया। अभी आपको एक वायर लेना है
मैंने 25 गेज का लिया हुआ है, आपको 25 गेज का मिले तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी कॉपर वायर आप यूज कर सकते हो। और इस पर दो राउंड बना रहे हैं ऐसा करके, और फिर से निकाल लेना, और इसको हम डालेंगे हमारी कॉइल के अंदर जो कि हमने पहले बनाई हुई है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला। दोस्तों अभी यहाँ पे आपके पास दो वायर है, एक को आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर के लास्ट वाले उसमें देना है, इसमें कनेक्ट करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हुआ है, और दूसरे को हम लोग को बैटरी से कनेक्ट करना है जो कि हमारा, मैं यहाँ पे रजिस्टर पे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी का पावर यहाँ पे आया हुआ है डायरेक्टली, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसे स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, और ये देखिए मेरा लाइट जलने लगा। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल बॉल पे मैंने लगा दिया हुआ है, बॉल जो हम लोग खेलते हैं प्लास्टिक कोई भी बॉल, और उसके ऊपर एल्यूमिनियम का पाइप आपको लगा देना है जैसे मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी इस वायर को मैं इसे सोल्डर कर रहा हूँ। दोस्तों ये रेडी हमारा टेस्ला कॉइल, तो अभी इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी ट्यूबलाइट आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं पास में ले जाता हूँ और ये ग्लो करने लगती है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हो बोथ साइड। अब यहाँ पे देखिए इसमें पास में लेके गया और ये चलने लगी। मैं लाइट बंद करता हूँ, आप देखो यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट विदाउट वायर के ही ग्लो कर रही है, आप देख सकते हो। दोस्तों है ना कमाल की चीज, क्या मजा आ रहा है भाई, मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार बनाने का, एकदम इजी है यार, सिंपल है, और मैंने अच्छे से बताया हुआ भी है। आप मेरे इंस्ट्रक्शन के फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे से बना सकते हो। और दोस्तों मैं दो दो ट्यूबलाइट को साथ में जला रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो ट्यूबलाइट, यार बहुत बड़ी चीज है। और अभी मैं 27 वाट को बल्ब को ट्राई करने वाला हूँ, 27 वाट सोचो, मैं 9 वोल्ट की बैटरी चलाऊंगा। आप ये देखिए, और ये मेरा ग्लो कर रहा है, मस्त है यार। दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इससे केवल सीएफएल और ट्यूबलाइट ही जलेंगे, एलईडी और बाकी के बल्ब यहाँ पे आपको नहीं जलने वाले। दोस्तों मजा आया ना, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये मिनी टेस्ला कॉइल कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।